अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है, जो कि सिर्फ आलू और ब्रेड से बनता है और बहुत ही कम समय में, जैसे कि 5 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हो, या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। बहुत ही हेल्थी और बहुत ही यम है। वो है वेज कटलेट, जिसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 बॉइल आलू, 1 हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 6 से 7 अदरक कुटी हुई, अदरक ग्रेटेड करीवी, 6 से 7 ब्रेड जिसका हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है, आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ भुना जीरा 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, भुनी हुई धनिया 1 टेबल स्पून, बॉइल मटर ऑप्शनल है, और ये है मैदा 3 टेबलस्पून। अब हम सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बिल्कुल ड्राई पानी नहीं डालेंगे, मिक्सी में 5 से 6 ब्रेड डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे, 1 से 2 बार ग्राइंड कर लेंगे तो ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ईजिली घर में तैयार हो जाते हैं, मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में अवेलेबल अगर आपके पास ब्रेड है तो आप तैयार कर सकते हो। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। अब ये बॉइल आलू है, उसे हम मैश करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी इसमें मोटे मोटे आलू ना रहे। अब हमारा आलू बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस डाल लेंगे, जैसे आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारे ड्राई स्पाइसेस हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें, ग्रेटेड जिंजर, अदरक और कोथमीर, ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही लाइट हाथ से। ज़्यादा मतलब दबा कर हमें मैश नहीं करना है, क्योंकि ये आलू और प्याज है पानी छोड़ देगा। बिल्कुल ड्राई रखना है, क्योंकि कटलेट हमें बनाना है और कटलेट एकदम सूखे बनते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे ब्रेड क्रम्स, 1 बाउल इतना आप मिक्स कर लीजिए, जैसे कि जितना आपको ड्राई चाहिए। अगर आपका आलू ज़्यादा गीला है तो आप ज़्यादा ऐड करिए, मेरा आलू ज़्यादा गीला नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। और इसमें हमने बॉइल मटर भी ऐड कर लिए, और इसीलिए लास्ट में ऐड किया है हमने, क्योंकि हमको उसको मैश पूरा नहीं करना है। जब कटलेट हम खाएंगे तो उसमें मटर हमारे हरी हरी दिखेगी। अब इसमें हम मैदे में पानी मिलाएंगे और बिल्कुल लिक्विड सा पेस्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल लिक्विड, जैसे कि हम नॉन वेज कटलेट में एग यूज़ करते हैं, अंडा, उसी तरीके से बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में लिक्विड तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे ताकि हमारे हाथों में आलू का पेस्ट है, जो कटलेट का पेस्ट है, बिल्कुल भी लगे ना, और बहुत ही ईजली हमारे कटलेट तैयार हो जाए। आप चाहो तो उसको गोल आकार दे सकते हो, शेप दे सकते हो, या अंडे जैसा। मैंने लंबा इसको शेप दिया है, बिल्कुल एग जैसा, और बहुत ही स्मॉल पीस बनाया है छोटे छोटे से। ये देखिए हमारे कटलेट तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ब्रेड क्रम में रोल करेंगे। सबसे पहले हम इसे मैदे के लिक्विड में डीप करेंगे और बहुत ही आहिस्ते से ब्रेड क्रम में रोल कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ईजली ये कटलेट बन जाते हैं, और बच्चों को तो बहुत पसंद है और साथ ही में बड़ों को भी। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है, और बिल्कुल भी हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे। एक स्पून से डीप करिए और फिर दूसरे हाथ से आप उसे रोल कर लीजिए। इसी तरीके से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। अगर आप कहीं सफ़र पर भी जा रहे हो तो आप ये कटलेट लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये वेज है, देर इज़ नो प्रॉब्लम कि वेज कहीं लेके जाना इसे अलाउड नहीं हो तो आप लेके जा सकते हो। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी है ये,
रेसिपी। ये देखिए थर्ड वन भी हमने आपको तैयार करके दिखा दिया है। हमारे सारे कटलेट रोल हो चुके हैं ब्रेड क्रम में बहुत ही अच्छी तरीके से, और अब इस स्टेज पर हम इसे फ्रिज में भी 5 से 10 मिनट रख सकते हैं, जैसे कि गेस्ट आने वाले हो तो उस वक्त हम तुरंत फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छे से देखिए रोल हो गए हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ है ज़रा भी कटलेट आलू। अब इसे हम फ्राई करेंगे नॉर्मल ऑयल पे, ज़्यादा हीट नहीं करना है ऑयल को, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए पहला कटलेट हमने डाल दिया है, थोड़े से क्रम्स यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिकर नहीं करिए, बिल्कुल अच्छा बनेगा आपका कटलेट। धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप कटलेट को डालिए और फ्राई करिए, बिल्कुल गोल्डनिश कलर, जिस तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप फ्राई करिए। और थोड़ा सा सब्र ज़रूरी है, क्योंकि कटलेट है अगर ये एक जगह से फट गए तो आप पूरा ऑयल अंदर चले जाएगा कटलेट में, वैसे फटना मुश्किल है, बिल्कुल ये फटते नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यम है। ये देखिए स्लोली उसको आप फ्लिप करिए, आपके कटलेट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है कटलेट का और बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। हाई टू स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है अपने अंदाज से, और इसी तरीके से हम सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत कलर है और कितने अच्छे शेप्स आए हैं हमारे कटलेट के। आप इसी तरह कटलेट बनाइए और हमारी रेसिपी पसंद करिए और सभी को खिलाइए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी है कि हाथ से भी अगर आप छू रहे हो तो बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है ब्रेड क्रम्स। और ये देखिए तोड़ने के बाद तो यम माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है, हरी हरी मटर और आलू, बहुत ही टेस्टी। अब इसे हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, बहुत यम है, बहुत यम माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।